एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई करते हुए 13 करोड़ से जायद मुंशियात जब्त करने का दावा किया है। डॉक्टर के जांच के आले में भी मुंशियात पाई गई, स्टेथोस्कोप में भी जो मुंशियात पाई गई उससे मुतालिक ये पहली नौयत का ऐसा वाकया था जो इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं कि ऐसे चीजों में मुंशियात छुपाई जा रही है जो पता करना मुश्किल होता है। जैसा कि ये मुंशियात जब्त की गई ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और दीगर मुमालिक में भेजी जाने वाली थी। इस सिलसिले में एनसीबी ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है, जबकि मामला बताया जाता है कि पार्सल के जरिए गैर मुमालिक में मुंशियात भेजने का सिलसिला जारी था। इसकी इतला जब एनसीबी को मिली तो एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाके, ज्यादातर कार्रवाई अंधेरी में की गई, जबकि डोंगरी में एक पार्सल की कंपनी में छापामार कार्रवाई के दौरान एक बड़ी मकदार में मुंशियात जब्त की गई। इसमें अफीम, मेफेडोन और दीगर मुंशियात शामिल है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम खुलासे की है जिसमें लगभग 6 केसेस नए बुक हुए हैं एनसीबी के द्वारा, जिसमें सबसे पहले तो 2.3 केजीज लगभग मेटम्फेटामाइन ड्रग वो सीज हुआ है, उसके अलावा लगभग 4 केजी अफीम जिसे ओपीएम कहते हैं वो भी सीज हुआ है, उसके अलावा 2.525 केजीज जोल्पीडेम टैबलेट जो मोर देन 10,000 टैबलेट्स हैं जो एनडीपीएस एक्ट के में कवर होती है एज अ ड्रग, उन्हें भी सीज किया है। तो ऑपरेशन वाइज देखा जाएगा तो जो पहला केस है ये 490 ग्राम मेटम्फेटामाइन जो स्टेथोस्कोप जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें सीज किया गया है, जो जिसे डोंगरी इलाके में जहाँ से जो कुरियर था तो वहाँ पर हम लोग ने सीज किया है। ये ऑस्ट्रेलिया देश में ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला था एक्सपोर्ट के द्वारा। उसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन है ये हमारा लगभग 4 किलो अफीम ओपियम ये सीज हुआ है, ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर कंसील होके जा रहा था और ये मालदीव्स जाने वाला था, तो उसमें भी अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है। उसके अलावा भी मोर देन 10,000 से ज़्यादा जोल्पीडेम टैबलेट्स 2.525 केजीज इसे भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये खाने की सामग्री ग्रोसरी के सामग्री में कंसील करके इसे अमेरिका में टेक्सास स्टेट में इसे भेजा जा रहा था, तो ये भी एक अलग केस बुक किया गया है। उसके अलावा जो हमारा चौथा कार्रवाई थी ये हमने लगभग 941 ग्राम्स एम्फेटामाइन सीज किया है, ये साइकिलिंग हेलमेट्स के अंदर कंसील होके ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। उसके अलावा भी बैंगल्स में, औरतों की चूड़ियों में इसे और कंसील करके ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था, तो वो भी हमने सीज किया है। जो हमारी पांचवी कार्रवाई थी ये हमने मुंबई में ही कार्य एनसीबी मुंबई ने की है, जो होज पाइप के अंदर से ये कंसील के फॉर्म में दुबई जा रहा था हवाई मार्ग के द्वारा। उसके अलावा भी एक और आज सवेरे कार्रवाई की है जिसमें टाई के बॉक्सेस में और मेटम्फेटामाइन लगभग 0.5 किलो ये भी न्यूजीलैंड जाने वाला था। जो हमारी छठवीं कार्रवाई है जो हमारा 6th केस है ये स्विट्जरलैंड जा रहा था, जो हार्ड ड्राइव में कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इसे कंसील करके एम्फेटामाइन 17 ग्राम यहाँ पर रिकवर किया है। सो टोटल नए 6 केस बुक हुए हैं और टोटल 8 कार्रवाई हुई है, जिसमें एक आइवरी कोस्ट के एक नेशनल को भी इंटरसेप्ट किया गया है और बाकी जिन जिन के फर्जी दस्तावेज या फिर लाइसेंस यूज़ किए गए तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और भी बाकी कार्रवाई स्टार्ट है हमारे।